Assalamu alaikum and hey friends, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. So friends, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे. और आज जो है, today is very special day. Guess what? तो आज ना मुझे दावत मिली है और ऐसी जगह से दावत मिली है, इमोन ने दावत दी है. और उसकी आज ना ग्रेजुएशन थी तो उसको डिग्री मिल गई फाइनली. उसको एनिमेशन उसका मेजर है तो फाइनली उसके हाथ में डिग्री आ गई है. तो उसने आज मुझे दावत दी है और मैंने सोचा कि यार बहुत टाइम हो गया तैयार होने का, मौका नहीं मिल रहा. सो आज अब मौका मिल गया है, लेट्स गो. एंड दिस इज माई ड्रेस, इट्स सो प्रिटी एंड सो कम्फर्टेबल. और इसके साथ मैंने बहुत ही प्यारा सा एक लिया है बैग, मैं आपको दिखाती हूँ. एंड दिस इज दैट बैग, इज सो कूल. मतलब इतना छोटा सा बैग है, आप अपना इम्पोर्टेंट सा बस मनी बैग और मोबाइल लो एंड निकल पड़ो. हाय मोन, कैसे हो? ठीक है. मुबारक हो, ग्रेजुएशन हुई है. पार्टी दोगे आज हमें? हाँ. आज तो तुम्हारे बड़े पैसे लुटाएंगे वे. भले कहाँ लेके जा रहे हो? इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ. इंडियन रेस्टोरेंट, चलो. तो हम ना पहले बनारस रेस्टोरेंट में जा रहे थे, इंडियन बनारस रेस्टोरेंट यहाँ पे वेदे होएगी के एरिया में, और वो शायद बंद हो गया, वो भी मिल नहीं रहा. तो अभी हम ना आए हैं, ये क्या नाम है इसका, न्यू दिल्ली. तो न्यू दिल्ली रेस्टोरेंट में, लेट मी शो यू, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से. ये ना ऐसे है और यहाँ पे वीडियो में अभी अजीब सा लग रहा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे ताजमहल नहीं दिख रहा ना. अंदर जाके दिखाती हूँ. एंड दिस इज न्यू दिल्ली कोरियन में. चलो भाई दिल्ली चले, दिल्ली लेके आए इमोन में. लेट्स गो. न्यू दिल्ली. ओ ये देखो, हाय नमस्ते. लेट्स गो. एंड दिस इज द रेस्टोरेंट न्यू दिल्ली. वाओ इट्स सो प्रिटी. दो लोग. चलो हम ना इधर बैठते हैं. तो ये है लोगो. एंड लेट्स चेक द मेन्यू. अभी ना मैं खिड़की पे आ गई हूँ, लोगों को लगेगा, लेकिन ये खिड़की नहीं है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी जगह है. तो अभी हमने ना कुछ डिशेस ऑर्डर किए हैं, मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ क्या है. और ये रेस्टोरेंट जो है ना बहुत खूबसूरत है, मतलब बहुत सारे इंडियन आर्ट है यहाँ पे. लेट्स गो एंड लेट मी शो यू. लेकिन सबसे पहले बहुत प्यास लगी है क्योंकि वाओ पानी बहुत ठंडा है. तुम पानी पियोगे? जो सैनिटाइजर भी पड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है. एंड ये हाथी कितना खूबसूरत है इमोन. ले जाए इसको. इमोन के पीछे देखो क्या है, आर्ट. इमोन तो ग्रेजुएशन कर ली, कैसा लग रहा है? कोई फीलिंग नहीं है. क्यों? ये मेरा सेकंड ग्रेजुएशन है एक्चुअली. इससे पहले कर लिया था एक बार. कैसे किया था ग्रेजुएशन इससे पहले? इससे पहले मेरा मेजर था ड्रॉइंग एंड पेंटिंग. इमोन के पास दो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है तो वो बराबर हो गया हाफ पूरा मास्टर के और हाफ पीएचडी के. तो अभी जो तुमने बताओ क्या किस चीज में किया है? एनिमेशन में किया है अंडर ग्रेजुएट. कौन कौन सी एनिमेशन करते हो तुम? करता हूँ बस 2D 3D स्टॉप मोशन. इमोन की एनिमेशन बहुत अच्छी है. इतना भी नहीं अच्छा. अभी ना चलो इस रेस्टोरेंट को हम थोड़ा घूमते हैं. पीछे देखो कितना अच्छा है. इसे ना दो दो लोगों के लिए अलग अलग से जगह बनी हुई है. और ये मेरी और इमोन की टेबल. इजंट इट ब्यूटीफुल? हाय इमोन. एंड ये वाओ ये कितना खूबसूरत है. लेट्स सी. देखो इधर आर्ट भी पड़ा हुआ है, इधर हाथी भी लगा हुआ है. और क्या है यहाँ पे? एक और आर्ट. हर जगह डिफरेंट डिफरेंट आर्ट है. और ये देखो क्या है, ये वाला आर्ट जो है ना राजस्थानी स्टाइल, बहुत खूबसूरत लगता है ये. सो बड़ा रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा. वाओ तुम्हें पसंद आया यहाँ पे? पहली बार आया. तुमने क्या ये जगह इंटरनेट पे देख के सिलेक्ट की थी? कैसे सिलेक्ट किया? इंडियन रेस्टोरेंट अराउंड मी. मुझे ना एक और मजे की जगह मिल गई, ये वाला साइड वाला एरिया है ना, इधर मैंने मोबाइल फिट करके रख दिया है. तो अभी अच्छा है, हम खाएंगे पियेंगे तो ये व्यू बहुत अच्छा है. और
आई एम सो एक्साइटेड, आज इंडियन खाना खाएंगे क्योंकि इंडियन खाना पाकिस्तानी खाना सब सेम होते हैं, तो बहुत ही खुशी मिलती है, खुद पका पका के खाओ, इससे अच्छा है कोई खिला दे। तो थैंक यू सो मच इमोन। आज कोरोना के टाइम हम लोग, मतलब मैंने शायद आज ही आया हूँ 6-7 महीने में, मैं भी कोरोना के टाइम ज़्यादा बाहर नहीं निकली हूँ, और अभी 2-3 दिन बाद फिर से सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद होने वाले हैं, तो इस खुशी में आज इमोन ने बोला कि मेरी ग्रेजुएशन हुई है तो चलो तुम्हें पार्टी देते हैं, तो मैंने बोला जल्दी चलो, क्यों मेक काम में देरी किसी। और आज मैंने डिफरेंट स्टाइल से एक आई मेकअप किया है, कभी सिखा दूंगी वीडियो में। एंड या कोक बाद में खोलते हैं, एंड जल्दी खाना है। और हमने ना गुलाब जामुन भी ऑर्डर दिया है, कैसा होगा, टेस्टी होगा पता नहीं। और इमोन का दिल कर रहा है समोसा खाने का, तो अल्लाह करे हमारे पेट में अलग चाय भी पियोगे। बाथरूम तो है रेस्टोरेंट में, होगा बाथरूम हर जगह होता है, तो अभी फिलहाल रेस्टोरेंट खाली है और चाय पीना है, चाय पियो समोसा, चाय समोसा। असल में ना यहाँ पे ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है कोरिया में, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज है मतलब, लेकिन इथेवन में ज़्यादा है, नॉर्मल जगहों में ज़्यादा नहीं है, और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी कम है, तो इसलिए हमें मुश्किल होती है जब अपने आसपास इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। तो जैसे अगर आप अमेरिका वगैरह रहो तो उधर शायद ज़्यादा होंगे ना, इंग्लैंड में शायद बहुत है। इंग्लैंड तो सेकेंड पाकिस्तान इंडिया है ना, उधर इतने पाकिस्तानी और इंडियन से मैंने सुना है, मैं कभी गई नहीं हूँ, तो इधर बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे रेस्टोरेंट, तो जब भी आते हैं ना हमें बहुत खुशी मिलती है, बस ऐसा लगता है अपने घर आए हैं, इसलिए खुशी मिलती है बहुत, है ना। एक्सपेंसिव भी होते हैं बहुत, एक्सपेंसिव होते हैं। ये है इधर का मेन्यू, लेट मी शो यू, देखो खुद देख लो ठीक है। चलो भाई हम दिल्ली आए हैं, इंडिया के लोग, हम आपके शहर में आए हैं दिल्ली में, और लग रहा है ऐसा फील हो रहा है दिल्ली में, लेकिन यहाँ ज्यादातर आर्ट राजस्थानी आर्ट है ना, पता नहीं मिक्स, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है। ये आर्ट के बारे में मैंने पढ़ा है, ये जो आर्ट है ना पीछे मतलब वन साइडेड ऐसे पूरा होता है, पुराना मिनिएचर आर्ट में जमाने में करते थे ये। चलो अभी खाने का इंतज़ार करते हैं और ज़्यादा बात नहीं करते, और हम खा पी के फिर थोड़ा इधर वॉक करेंगे, ये स्ट्रीट है ना होएगी की स्ट्रीट, यहाँ पे बहुत शॉपिंग की जगहें हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब लेट्स गो टुगेदर, सी यू लेटर। तो आज ना इमोन को डिग्री अभी तक नहीं मिली वायरस की वजह से, सो ये है डिग्री, यहाँ का मेन्यू, ग्रेजुएशन डिग्री। सबसे पहले चिकन टिक्का इज हियर, वो आ गया है चिकन टिक्का, लुक्स सो डिलीशियस। सो दिस इज चिकन साग नान एंड यू इमोन, चलो सर्विंग करेंगे। तो अभी ना हमने एंगल जो है वो चेंज कर ली है, एंड चलो लो अपनी प्लेट भी ले लो, मुझे पहले लगा था कोई मिठाई दिया था खाने के लिए। इवन इसको खा रहा था। क्या इवन, यू आर सो फनी। तो ये तुम्हारे स्पून इस साइड है, हाथ से खाएंगे, स्पून से हाथ से खाएंगे, ये तो डबल है। हाथ से खा रहे हैं क्योंकि हाथ से खाने में बहुत मजा आता है। बांग्लादेश में भी हाथ से खाते होंगे। सो गुड, और ये चटनी भी है, चटनी टेस्ट करें ना। मुझे लगता है ये स्पाइसी होगी, थोड़ी सी स्पाइसी, ज्यादा नहीं, टेस्ट करो। ये हम लेमन इसमें डाल दें, तुम लेमन खाओगे? मुझे एक टिश्यू चाहिए, सॉरी यार हम खाने में ना बहुत बिजी हो गए। ग्रेजुएशन पार्टी है, ये ग्रेजुएशन पार्टी है, कोरियन रेस्टोरेंट में भी जा सकते थे वैसे, लेकिन अभी इधर आने का अपना मजा है ना, है ना। ग्रेजुएशन हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, क्यों पता है,
तू जान छोड़ा यार, पेन। कौन सा पेन? नहीं यूनिवर्सिटी लाइफ ये जिंदगी में इतना पेनफुल था ये कोरिया में पढ़ाई करना। डिप्रेशन डिप्रेशन, क्योंकि एक तो कोई फ्रेंड नहीं होते इसलिए, और स्टूडेंट है वो फ्रेंड तो नहीं होते, ऊपर से फ्रेंडली भी नहीं होते। अभी उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है? आज नहीं वो आज खुशी का दिन है, आज डिप्रेशन की बातें मत करो, ठीक है? तो हम खाएंगे अभी टिक्का एंड नान। इट्स सो गुड। कैसा है? परफेक्ट। और अभी ना मैं जस्ट थोड़ा सा ये टेस्ट करके बता देती हूँ कैसा है, बाद में ना फिर हम इंजॉय करेंगे खाना हमारा। तो मैं दूँ? नहीं ये है साग, डिफरेंट है ना, टेस्टी है, अच्छा है। इतना थोड़ी खा पाएंगे? अभी तो इसको समोसे खाने हैं। चलो हम बाद में मिलते हैं खा पी के। अभी ना इमोन आप लोगों से कुछ बोलना चाहता है। ये जो चिकन साग है ये बहुत टेस्टी लगा मुझे, बहुत टेस्टी लगा। और इमोन पता है बहुत सारे लोग ना पूछ रहे थे कि तुम्हारे जॉब का क्या हुआ, जो इंटरव्यू दिया था लास्ट टाइम। हाँ, उसका क्या हुआ? उसके बाद जॉब इंटरव्यू का मुझे एक हफ्ते बाद बुलाया एग्जाम देने के लिए, फिर मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद सब कुछ ठीक था, उसको पसंद हो गया, उसने उसको लेना चाहते थे, सब कुछ डिस्कशन हो गया था। बाद में उसने बोला क्या कि उसके कंपनी के रूल्स है कि एम्प्लॉय को सुबह 9 से रात 11 तक काम करना पड़ता है, क्योंकि बहुत काम का प्रेशर है। इस वजह से सुबह 9 से रात 11 तक मतलब 13 घंटा, इतने घंटे कौन करता है? 14 घंटा नॉर्मली तो कोरिया में 6 बजे खत्म हो जाता है। मुझे प्रॉब्लम नहीं था, मुझे नॉर्मली 6 बजे खत्म होता है। रूल है, ये रूल है कि 10 से 6 तक होते हैं, या फिर 10 से 7 तक, या फिर 9 से 6 तक, ऐसा कुछ होता है 8 घंटे का। वो कोक उठा के देना, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। फिर ठीक है, फिर ओवर टाइम भी करो, ज्यादा कम प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे पेमेंट करोगे इसकी वजह से कि तुम्हारे इधर मैं 5 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगा, उसने बोला नहीं करूंगा पेमेंट। लेकिन कोरिया में ऐसा नहीं होते, ओवर टाइम में पेमेंट मस्ट होते हैं। जब ये लोग फॉरेनर को देखता है तब ये सब हरकतें शुरू करती है ये लोग, कि और ऊपर से बोलता है मुझे साल में 8 दिन का छुट्टी देगा। बोले तुम 8 दिन में तुम अपने कंट्री में जगह घूम सकते हो, 8 दिन में कौन कंट्री जगह घूमे, जाने आने में तो 3-4 दिन खराब हो जाता है। वही तो, बहुत मतलब छुट्टी भी ज्यादा नहीं देंगे, पैसे भी नहीं, कम छुट्टी, देंगे छुट्टी भी सेक्रीफाइस कर ले, लेकिन वो मुझे ओवर टाइम 5 घंटा में डेली काम करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पैसा नहीं। दूर है ना 2 घंटे। और कोरिया में ऐसा होता है फॉरेनर के साथ हमेशा, कि फॉरेनर के साथ चीटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो जो जो लोग कोरिया में रहते हैं वो संभल के इंटरव्यूज दें, और चालाकी से जो लोग कोरिया में आना चाहते हो मारता है। क्यों? कट कट, इसको हम काट देंगे। नहीं नहीं कटना नहीं, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ऐसे नहीं होते कि कोरिया बहुत ही मतलब रिलैक्सिंग जगह है, ये है वो, ऐसे ऐसा भी नहीं है। बहुत हार्ड टाइम्स भी होते हैं, कोरिया में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस भी देती हूँ ताकि लोगों को रियलिटी भी पता चले, सिर्फ अच्छी चीजें नहीं दिखाती हूँ। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ माय वीडियोस। अभी ना हम लोगों ने हमारा पूरा खाना खा लिया है और गुलाब जामुन खाएंगे इमान की ग्रेजुएशन की खुशी में, एंड हमें चाय जो है वो मिली है सर्विस में, और ये है गुलाब जामुन और ये चाय। ये सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो। पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया, इमान पास हो गया, रास्ता निकाल दिया। जल्दी खाओ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कैसा है? टेस्टी। अभी मेरी बारी, ये तुमने यूज किया ये। अच्छा
बहुत टेस्टी है, पूरा पाकिस्तानी स्टाइल। सो गुड। मुंह खोलो सब। सच में आज की जो पार्टी हुई है ना, सच में बहुत मजा आया। मैं बहुत खुश हूँ। तुम? हाँ, खुश तो है बस। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज थी गुलाब जामुन, ग्रेजुएशन यहाँ पे मिलता नहीं। कोरिया में ग्रेजुएशन का कितना मतलब डिप्रेशन लेवल 3 का बोलो ना, जिंदगी खराब करके छोड़ते। थोड़ा सा डिप्रेशन तो है, मतलब मुश्किल है क्योंकि हम लोगों की स्कॉलरशिप में रिक्वायरमेंट है लेवल 3 लेके आओ कोरियन में, और हमें सिर्फ कोरियन पढ़ाते हैं 3 महीने के लिए। तो सारे स्टूडेंट की कोरियन ना टूटल फुटल होती है, तो प्रॉब्लम हो जाता है। स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स ना पहले से ही कोरियन सीख के आते हैं और हम लोग बिना सीखे ही चले आते हैं। तो 3 मंथ्स में ना सिर्फ लेवल 1 ही कर पाते हैं। तो बाकी जो सारी जो भी कोरियन आती है ना, वो एक्सपीरियंस से आती है। ये वो इसे बहुत सारे कंट्रीज के लोग हैं, जो थाईलैंड हो गए या कुछ कंट्रीज के हैं लोग जिनको ग्रेजुएशन हो नहीं पाई क्योंकि लेवल 3 नहीं आया। तो टफ है बहुत, हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर हमें ना सारी क्लासेस हमारी कोरियन में होती है और हमें लेवल 3 मस्ट करना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल होता है, कोरिया में इतना आसान नहीं है रहना, और आप लोगों को पता चलता होगा मेरी वीडियो से। और ऊपर से हम लोग सब अकेले अकेले रहते हैं तो ज़्यादा टफ हो जाती है लाइफ, और क्योंकि फैमिली के साथ होते हैं तो हिम्मत मिलती है। और इससे बात करते करते लेट्स ड्रिंक टी, और ये चाय हमें सर्विस में मिली है, सो थैंक यू सो मच न्यू दिल्ली रेस्टोरेंट सर्विस देने के लिए। हम उसको बाद में फिर से थैंक यू करेंगे। कड़क चाय, कड़क कड़क। अभी मेरा गुलाब जामुन फंसा हुआ है दांतों में। दांतों के अंदर 2-3 गुलाब जामुन। अभी इमोन को बोलेंगे पेमेंट करो। एंड थैंक यू सो मच चाय के लिए। और ताजमहल भी है इधर, सो प्रिटी। चलते चलते ना ऐसे बहुत सारे दुकान आते हैं जहाँ पे इतने क्यूट क्यूट से सामान मिलते हैं। ये ग्लासेस देखो हार्ट शेप में, और मतलब रास्ते में मिलते ही रहती हैं ऐसी चीज़ें नॉर्मली हर स्ट्रीट में। इमोन को देखो साइकिल की पीछे वाली सीट में बैठा हुआ है। एंड वी आर गोइंग टू ऑलिव एंड यंग। ऐसे मास्क पहन के निकलना पड़ता है, बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी भी है हमारे पास। इधर थोड़ा मेकअप देखने आई हूँ। लिप्स पे ट्राई नहीं कर सकते, आंखों पे तो कर सकते हैं ना। लग रहा है कुछ साइज का है, और इसके अंदर ना सब कुछ है। ये क्यूट है, इसकी प्राइस है 25,000। सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस वन। वाओ यार, सी द रिजल्ट। ये मैंने अभी अप्लाई किया है और इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ना मेबलिन का अप्लाई किया है मस्कारा, और बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये मेबलिन, और ये पता नहीं कौन सी ब्रांड। तो दैट्स इट, यही थी मेरी आज की वीडियो। एंड अगेन इमोन कॉन्ग्रेचुलेशंस, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, खुदा हाफिज़।